दस पंद्रह सोलह गोल्ड पहन के आप नॉर्थ में यूपी बिहार में आप जल नहीं सकते, लेडीज लूट लेंगे। इफ यू टेक इंडिया, वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, बिकॉज ऑफ दैट वी बीन फाइटिंग विद दैट। आने वाला जनता में क्यों वो बीजेपी का अन्ना मिले ने, कुछ पढ़ा लिखा आदमी भी थोड़ा नॉलेज भी है। वणक्कम। केरला से जब ऊपर बढ़े तो हम पहुंचते हैं तमिलनाडु, मीनम्मा कमाएगा। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। इंडिया की जीडीपी में इस राज्य की 9.1% की हिस्सेदारी है और इंडिपेंडेंट इंडिया की ये सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे ड्रामा से भरी एक सक्सेस स्टोरी रही है। यहाँ के लोग चावल बहुत खाते हैं और गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इतना हमें पता था। तमिलनाडु के बारे में बाकी सब जानने हम पहुंचे कोयम्बटूर और वहां की सड़कों पर निकले। वेलकम टू द संडे भारत सीरीज, 24 स्टेट्स इन 2024। दिस इज अ जर्नी टू अंडरस्टैंड इंडिया और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द बिजिएस्ट स्ट्रीट इन कोयम्बटूर। यस। Okay. It's called Gandhipuram. It's called Gandhipuram. You can read Tamil? Yeah, I know. Kaval Turai Echarike. Kaval Turai Echarike. What does it mean? Like police station. No, apne kaam ki cheez nahi. Chalo, chalo, chalo. Hey, Darye. Hey, Darye. What is your name? Prasad. I'm Prasad. You're Prasad. You're? Ramona. Nimuna and Yuvraj. मेरा नाम कुमार। कुमार, हेलो सर। हाय हाय कुमार। तो कुमार सर मिले हैं, कुमार सर हिंदी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में रह के काम कर चुके हैं। किशोर धर्मराज। धर्मराज, यू हैव अ वेरी प्रीटी स्माइल। सो गाइस टेल मी समथिंग अबाउट तमिलनाडु इन जनरल, लाइक कोयम्बटूर इज माय फर्स्ट सिटी इन तमिलनाडु। हियर व्हेन इट कम्स टू तमिलनाडु विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, आई थिंक वी आर गोइंग अहेड। सो तमिलनाडु इज एक्सेलिंग इन एजुकेशन इज व्हाट यू फील? ओके। Okay. The language, Tamil. Tamil. I don't understand Kannada, Tamil and Malayalam. So how is like Tamil different from? I think there's like a very strong culture that is based out of the language Tamil. And we believe that Tamil is the oldest language. In 1980s when the entire movement of making Hindi the national language happened, Tamil Nadu was leading the movement in not making it the national language. I think that's something which still is like, you know, it's still a continuing thing. Especially in Karnataka, when you go to Karnataka, the Hindi versus Kannada debate, it's still very much an issue there, right? But because for me, I think there should be one language which should connect everyone. That's okay. I agree with your point, but I don't think so. I believe that that's a curse of India. If you take Japan and China, they have only one language, yeah. Right? That is the reason they are able to focus on, they're not having any conflict with the language, yeah, yeah. So they're able to focus on science and technologies. But yeah. If you take India, we have so many languages, a lot of different cultures. Because of that, we've been fighting with that and we're not focusing on science and technology. I guess that is a curse of India. But she agrees with your point. No, no, but no, but you could say that for religion also, right? Yeah, yeah, Japan, China has the same religion, but that is not how India is. The diversity is what India is about. I don't have like, you know, much time here, so I'm just going and talking. Vijay came to politics. Huh? That's the big content. Vijay came to politics. No, yeah. Achha, okay. जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे सबसे बड़ी खबर थी कि एक्टर विजय ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। पर ये बात तमिलनाडु के लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों? पॉलिटिक्स तो रजनीकांत ने भी ज्वाइन की थी पर उनका पॉलिटिकल करियर इतना खास नहीं रहा है। और ये समझने के लिए हमें इस राज्य की पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। द्रविड़ एक भाषाई शब्द है और इसका मतलब ये है कि द्रविड़ियन लोग वो लोग हैं जो द्रविड़ियन भाषाएं बोलते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। सबसे मजेदार बात क्या है कि भारत के किसी भी और भाग के मुकाबले ये जो साउथ इंडिया की द्रविड़ियन कल्चर है इतनी यूनिक और इतनी अलग से क्यों दिखती है? तो
इसका सबसे बड़ा कारण है कि साउथ इंडिया तीन तरफ से समंदर से घिरा है और मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ इसे उत्तर भारत से एक विभाजक की तरह, एक डिवाइडर की तरह अलग करती हैं। सो सदियों से दक्षिण भारत ने एक अलग ही द्रविड़ियन संस्कृति का विकास किया है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तमिल लैंग्वेज। ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक मानी जाती है और संस्कृत की तरह ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत में दिया गया है। यही नहीं, अगर आप दक्षिण भारत के ज्योग्राफी को देखेंगे तो पत्थर यहाँ बहुत आसानी से मिलते हैं और शायद यही कारण है कि जो द्रविड़ियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो हम देखते हैं, उसमें पत्थरों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तंजौर का राजराजेश्वर टेम्पल। दक्षिण भारत की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि यहाँ स्पाइस प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छा है और शायद यही कारण है कि अगर नॉर्थ इंडिया में लोगों को खाने में रोटियाँ बहुत पसंद है तो साउथ इंडिया में लोगों को चावल का बहुत शौक है और खाने बहुत ही मसालेदार होते हैं। अगर हम भारत की सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो ये तय है कि द्रविड़ियन संस्कृति इसमें एक नया ही आयाम जोड़ती है। इस राज्य की कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है पर इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है जस्टिस पार्टी। ये पार्टी आजादी के आंदोलन का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा थी और ये बहुत अलग तरीके की पॉलिटिक्स को जन्म दे रही थी जो कि एंटी कास्ट थी, सोशल जस्टिस पर आधारित थी और जिसकी बुनियाद सेक्युलर थी। और इसी जस्टिस पार्टी के सिद्धांतों पर आज भी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स चलती है। जस्टिस पार्टी से अलग होकर एक पार्टी बनती है डीके, जिसके लीडर बनते हैं अन्नादुरई और फिर इसी डीके से एक और फैक्शन निकलता है डीएमके, जिसके लीडर बनते हैं करुणानिधि और इस डीएमके से भी एक और फैक्शन निकलता है एआईएडीएमके, जिसके लीडर बनते हैं जाने माने तमिल सुपरस्टार एमजी रामचंद्र। तमिलनाडु में लगभग 60 सालों से इन द्रविड़ियन पार्टीज का ही राज रहा है और एमजीआर और जयललिता जैसे लीडर्स जो कि काफी लोकप्रिय थे, जो इस राज्य के सीएम भी थे, उनकी भी शुरुआत मूवी स्टार्स की तरह ही हुई थी। इसलिए विजय की नई पार्टी ने लोगों में हलचल मचा दी है। अब देखना ये होगा कि इनका पॉलिटिकल करियर एमजीआर जैसा बनेगा या रजनीकांत जैसा। एक्टर विजय हैज रिसेंटली जॉइंड पॉलिटिक्स, वेरी बिग हियर, नो? ही इज नेक्स्ट, यू कैन टेल मी, इज द नेक्स्ट अपकमिंग सुपरस्टार। ही इज अ सुपरस्टार, ही इज ऑलरेडी सुपरस्टार, इज अ सुपरस्टार इन इन साइडवेज ऑफ कलेक्शंस एंड हिज बॉक्स ऑफिस। ओके, देयर इज अ सुपरस्टार, इज रजनीकांत, ही इज अ सुपरस्टार, बट इन कलेक्शन वाइज यू कैन टेल विजय इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। हु इज अ बिगर स्टार हियर, रजनीकांत और एक्टर विजय? रजनीकांत ऑफ कोर्स, नो नो कंपैरिजन, नो। एक्टर विजय वेरी फेमस हियर, you like him? Yeah. He recently joined politics. You will vote? अरे हाँ भाई हाँ. Why? Fans. Fans. So, he has a big fan base in Tamil Nadu and Kerala also. He is a Kerala boy. He know very well. Malayali. Yeah. Malayali. So Vijay has a big fan base in Tamil Nadu and Kerala. So not only Tamil Nadu and Kerala. It's all over the South India. South India. South India. Okay. So you think he'll make a good politician? No, the thing is when it comes to politics, of course Vijay, he has a great fan base. But the point is he didn't come to the ground and he didn't work in the ground as a politicians. Yeah. So you know about celebrities, being a celebrity and actor, that's entirely different story. And being a politician, it's entirely, you know, yeah, totally true. It's like 100% it's different thing. True. He's a good actor. After he coming to the politicals, what he will do, he acting only know is different. Acting le winning vandu vera, politics le winning vandu vera, adu rendume different. Achi acting baat alag hai, achi politics baat bilkul alag hai. You understand what I said? राइट, एक्टर विजय भी आया है अभी तो? नहीं, एक्टर विजय तो अभी खत्म रखा है, अभी फायर रखा है, अभी देखो जमाने के लिए टाइम लगेगा। वो हीरो था, वो एक्टर था। अभी उसने तमिलनाडु के जनता को क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी तमिलनाडु में बारिश हो गया, 4-5 कट्टा चावल लेके दे दिया, कुछ खाना के पैकेट ले, लंच पैक दे दिया, तो हो गया क्या? वो तो कोई भी कर सकता, वो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। हैव यू डू गाइस वॉच बॉलीवुड मूवीज? Which, who's your favorite star? You can say Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan? Which was the last Shah Rukh movie you watched? Jawan. Jawan? No, you like Jawan? Animal you like, no? Animal you like? Animal. You like Animal and I like Chennai Express. First movie. I watched Bollywood in first movie. Chennai Express. Okay. Nice movie. All the Rajini fans. Thalaiwa. Don't miss that chance. Thalaiwa. So you like Shah Rukh Khan? Yes. Yes. Shah Rukh Khan everybody likes, no? यहां दो पार्टीज चलती हैं,
DMK led by MK Stalin, जिनका बेटा थोड़ा बड़बोला है, एंड दूसरी पार्टी इज ADMK led by this guy. और तमिलनाडु हर 5 साल DMK और ADMK में स्विच करती रहती है. अभी DMK की सरकार है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ADMK की हो सकती है. साउथ इंडिया का राजस्थान समझ लो इस मामले में. Who's the best leader you guys like? MK Stalin from DMK ना? DMK का जो काम रहा है पिछले 5 सालों में, सबसे अच्छा काम किस किस चीज में उन्होंने किया है और किस किस चीज में काम नहीं कर पाई है? रेट बढ़ गया, मतलब चावल आटा सबका रेट हो गया ज्यादा. किसी की काम के लिए जाना तो कुछ तो जाना पड़ता, मतलब पैसा देगा तभी काम होगा. अच्छा, करप्शन ज्यादा हो गया, करप्शन है, भ्रष्टाचार. अच्छा, तो इसलिए आप किसको वोट दोगे? वोट किसको? ADMK. तो ADMK मान के चले कि तमिलनाडु में अभी 24वें ADMK का है, सांसद के है ना. और मतलब MK स्टालिन बढ़िया आदमी है लेकिन नीचे उनके काम नहीं कर पाते, ऐसा बोल रहे हैं. Who do you like more? Leader, best leader? नरेंद्र मोदी தான் வருவாரு. நரேந்திர மோடி. Why? அவனால வந்து இப்போதைக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆட்சி நடக்குது. He's ruling good. Okay. Apart from Modi, who else in Tamil Nadu is like, you know, good leader? Leader வந்து Tamil Nadu க்கு சொல்ல போனா யாருமே கிடையாது. He's saying no one. MGR தவிர வேற யாருமே இப்போதைக்கு கிடையாது. Apart from MGR is good. உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும்? எனக்கு MGR தான் பிடிக்கும். He also like MGR. No, Stalin? Stalin, why? No. MK Stalin is not the only reason. வேற ஒண்ணு இல்ல, ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் பண்ணாத ஊழலே கிடையாது. அவங்க பண்ண அவங்க குடும்பம் பண்ணாத ஊழலே கிடையாது. From year to year, scams. Scams? அண்ணா, ஆப் ஹிந்தி போல்ட்டு? தமிழ். ஓகே. வீடியோ எடுத்திருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணுமா? இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ அண்ணா. யூ டோல்ட் மீ கோயம்புத்தூர் பீப்புள் ஆர் ஸ்வீட். சம் பீப்புள் ஆர் अच्छा, तमिलनाडु की खास बात ये है कि जब भी इस राज्य में ठहराव आता है तब एक नई पार्टी, एक नई आइडियोलॉजी लोगों को आकर्षित करती है और इन दिनों हवा चल रही है BJP. जब लोगों से बात की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर के अन्नामलाई को तमिलनाडु की इस नई राजनीति का नया फ्यूचर बताया. अन्नामलाई एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है जो अपने सर्विस के दिन भी काफी पॉपुलर थे और पॉलिटिक्स में आने के बाद तो और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं. साउथ में BJP का एक नया चेहरा, एक उभरता चेहरा जिसको तमिलनाडु के लोग फ्यूचर में नेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा देख रहे हैं. एंड BJP साउथ साइड में BJP का अच्छा है, लेकिन क्या आने वाला जनता में क्यों वो BJP का अन्ना मिले ने कुछ पढ़ा लिखा आदमी भी, थोड़ा नॉलेज भी है, आने वाला जनता में इसी लोग इस दुनिया मतलब इसी स्टेट को कुछ अच्छा लेवल में लेके आ सकता है करके जनता. अभी आने वाला जनरेशन नया नया लड़कों को है सोच में, मतलब ये आने से ये ठीक रहेगा करके जनता के दिमाग में है. लेकिन क्या ये समय थोड़ा डिस्टेंस पड़ेगा, क्यों अभी अचानक क्या तमिलनाडु के अंदर BJP बहुत कम लोग जानता है, ज़्यादा लोग को नहीं मालूम है. ओके, मालूम है अभी, क्यों पहले से दुनिया के सबके क्या पता है DMK ADMK ये दो ही पता है. अभी ये नया अभी बीच में आया हुआ है. यू गाइस लाइक मोदी? ग्रेट लीडर, वर्ल्ड ओवर इंडिया பெரிய லெவல் கொண்டு வந்து அட்டிட்யூட். ஹிஸ் அட்டிட்யூட் எல்லா இடத்துலயும் என்னது ஃபேமஸ் ஆகுனது இந்தியாவை எல்லாருமே வந்து அதனால எனக்கு ஹி மேட் இந்தியா ஃபேமஸ். ஹி மேட் இந்தியா ஃபேமஸ். Beard? Yes, good beard. I also have good beard. I should you vote for me then. Modi, when it comes to him, like he's good at building that interpersonal skill with other countries. Yeah. So that is why he's very good at that. Uh-huh. And apart from that, there are positive side. Of course, we are able to see in the past 10 years. Like we are able to see it, right? Be it road and be it education side, be it other things. But of course, even if you go very deep, there are flaws in every party, be it BJP or Congress. But according to me, it's my opinion. I guess. Yeah, political opinion is always personal. I guess he's good only. Okay. Modi is like good. The world level developing countries actually. All over name create panika. Many people say Modi is like, I talk to people, no? They are saying that Modi is not good on religion basis dividing.
No, I think because Indian Tamil people has not they are set up a Dravidians model. They are not coming for the outside. So BJP is going to empowering the new ideas, new growing. मोदी जी मतलब एक्सपीरियंस मतलब उस पॉलिटिक्स में कैसे करना चाहिए ऐसे ऐसे करना चाहिए करके इसी जन अभी अभी आने वाला सांसद में अभी 10 साल अभी दो कंटिन्यू हो गया उसके पॉलिटिक्स करते मतलब राजनीति करके 10 साल हो गया मतलब इसका पहले भी गुजरात में था सीएम अभी पीएम बन गया तजुर्बा ज़्यादा है इनके अपना मोदी जी के पास है। अब मोदी जी का सेंटर में सरकार किसका बनेगा क्या लगता है? तो है वही मोदी। यस ओके सेंटर में सेंटर मोदी मोदी मोदी। एंड व्हाट अबाउट राहुल गांधी? राहुल गांधी व्हाई मोदी लेवल के ले। अच्छा मोदी के अलावा कोई नहीं है ना यही बोला ना यही बोला ना? ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। अच्छा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या अंतर लगा आपको आप रहे तो? हाँ मैं बताना चाहता हूँ ये तो साउथ इंडिया में फ्री स्टाइल आप रह सकते हैं। फ्री स्टाइल मतलब क्या कोई टेंशन नहीं ये नहीं चोरी करना कोर नहीं किसी का बलात्कार ये वगैरह वगैरह ये साउथ में बहुत कम है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में बिहार हो गया यूपी हो गया इसी जगह में लेडीज का बहुत मतलब सिक्योरिटी है ही नहीं लेकिन बहुत चोरी होते हैं और उसके बाद कोई मैं बहुत मतलब मैं आप मेरा साथ सर्विस करते हैं उन लोग बताते रहते हैं यूपी में बिहार में तो बहुत ही ढांचा खराब है। यहाँ नॉर्थ का यहाँ लोग है यहाँ हमारा पास रहते हैं यहाँ पर इधर भी फ्री स्टाइल में रहते हैं कोई झगड़ा नहीं है कोई कुछ नहीं है कुछ नहीं यहाँ पर नॉर्थ में इधर आके जोन पपड़ी से लेके पानी ये क्या बोलते हैं वो कुछ कुछ व्यवहार करते हैं कुछ भी करते हैं यहाँ पर रोड के किनारा भी कोई खिलौना वगैरह वगैरह लेके भी बिक्री करते हैं कुछ ना कुछ धंधा करते हैं इधर साउथ में कपड़ा की दुकान गुजरात या मारवाड़ी वगैरह करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता कोई झगड़ा बज गया यही साउथ इंडियन जाकर वहाँ पर छोटा सा भी एक दुकान खोलेगा तो वहाँ नहीं खोल सकते आप वहाँ का लोग पता नहीं कैसे है थोड़ा वो हिसाब भेदभाव करते हैं सब पक्का करता जी। हाँ बोला ये हमारा जगह ये हमारा ही होगा अच्छा दूसरा स्टेट वाला यहाँ के नहीं कर सकते पता यही जो धारणा है ये नॉर्थ इंडिया में ऐसा है कि आप साउथ में जाके काम करोगे तो ऐसा होगा कि साउथ में आपको बोलेंगे। अभी यहाँ पर क्या वो 10-15-16 गोल्ड पेन के आप नॉर्थ में यूपी बिहार में आप जल नहीं सकते लेडीज लूट लेंगे यहाँ पर तो 100 तोला पेन के 1 किलो पेन का आप रोड पर जाओ कोई 6 बजे 7 बजे 9 बजे 10 बजे कोई भी टाइम जाओ कोई कुछ नहीं होगा सेफ्टी ज़्यादा है सेफ्टी यहाँ पर ज़्यादा है। मैं भी नॉर्थ से हूँ लेकिन मैं आपकी बात से ना डिसएग्री नहीं कर सकता क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना ये वही है कि मैं इसको क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहूँगा कि ये सच है हमारे यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है। वुमेन सेफ्टी की जो आपने बात कही ना महिला सुरक्षा की ये सच बात है। मैं खुद जब मुंबई में था मैंने मुंबई की महिलाओं से बात की गुजरात की महिलाओं से बात की उन्होंने यही बोला उन्होंने कहा कि हम फ्री जाके घूम सकते हैं रात को 1 बजे भी जाके घूम सकते हैं और मुझे पता है कि यूपी में अगर मैं हूँ और मैं किसी एक यूपी के डिस्ट्रिक्ट का नाम दूँ है ना या फिर चलो एग्जांपल के मेरठ या झांसी या फिर सहारनपुर बोलूँ वहाँ की महिलाएं ये नहीं बोलती हैं। वन इशू विच यू थिंक यू नो इट्स देयर इन द कंट्री विच वी मस्ट एड्रेस एज अ नेशन? फॉर मी एट दिस पॉइंट आई थिंक आई ऑलवेज थिंक यूज्ड टू थिंक दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज वन थिंग दैट वी शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर बिकॉज we are still a minority in many many ways we don't still have the basic rights. Why did you say used to think? Because now I think as a nationwide I think we need to learn to be more accepting of different cultures different religions and I think that is the number one thing. Communal harmony. हाँ तो भाई हम लोग अभी तमिलनाडु में थे और कुछ पता नहीं था तमिलनाडु के बाद आने से पहले डीएमके यहाँ पर गवर्नमेंट है जयललिता एमजीआर ये कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो यहाँ पे बहुत रिवियर्ड हैं बहुत पहले इन्होंने है ना एक बड़े नाम है जैसे कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का है और अभी हाल ही में एक्टर विजय हैं यहाँ पर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो ये इतना बेसिक हमको तमिलनाडु के बारे में पता था और वही हमने यहाँ पर आके कोयम्बटूर की सड़कों पर लोगों से पूछने की कोशिश की। थोड़ा सा बीच बीच में हम लोगों ने यहाँ के कल्चर के बारे में भी जाना लोगों के बारे में भी जाना खाना वाना भी थोड़ा देखा एंड यहाँ पर हमारे भाई हैं कोयम्बटूर बापला इन्होंने ट्रांसलेशन में हमारी हेल्प की इन्होंने थोड़ा सा ना लैंग्वेज बैरियर जो आता है उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प की तो थैंक यू सो मच ब्रदर एंड आई विल गिव हिज इंस्टाग्राम हैंडल राइट हियर यू कैन गिव हिम अ फॉलो एंड दिस वाज तमिलनाडुस अ लिटिल स्मॉल ऑफ पॉलिटिक्स नो हाउ ये जो हमने किया। चीयर्स। व्हेन दे विल गो टू वोट नेक्स्ट ईयर व्हाट इज दिस वन पॉइंट दे विल कंसिडर बिफोर लाइक कास्टिंग देयर वोट?
कि दिस इज वन इशू फॉर मी, दिस इज समथिंग आई विल कंसीडर बिफोर कास्टिंग माय वोट. आई विल डेफिनेटली कंसीडर द पार्टी और द कैंडिडेट दैट विल ब्रिंग द पीपल टुगेदर, नॉट सेपरेट देम. ओके. आई वुड से लाइक दैट पार्टी व्हाट एवर व्हिच एवर पार्टी इज गोना डू द इलेक्शन, दे शुड नॉट टेक द रिलीजन और शुड नॉट टेक यू नो लाइक दिस हिंदुइज्म, विद दैट दे शुडंट डू एनी. Religion and politics should be separate. You know? Yes, yes. What do you think? My point of view is a party which people who can simply reachable to the party. तो यही था हमारा तमिलनाडु का सफर. तो अगर आपको यहाँ के लोगों से बात करनी है तो धोती खरीद लेना, महिला हो तो गजरा पहन लेना, फिल्टर कॉफी पीना और लोगों से बात करना. और हाँ, पयासम और चिकन चेटीनाड खाना मत भूलना. वड़कम सब्सक्राइबम लाइकम शेयरम सब्सक्राइबम.